दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, क्रेड मैथ बुक का सलूशन चल रहा है, जिसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। टाइप 3 का 51 क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5 है तो 2a + 3b रेशियो 3a + 2b की वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5, क्या रेशियो में अगर देखें तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितना है, 4:5 है। अगर ए 4 है तो बी कितना है, 5। तो हमें पूछा क्या है कि 2a + 3b रेशियो 2a + 3b रेशियो 3a + 2b की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, 2a अगर एक वैल्यू यहाँ कितना है 4, तो b की वैल्यू कितना आएगी, 5। इसी को हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2a a की वैल्यू कितना है 4 + 3 b की वैल्यू कितना है 5, 3 × 5 रेशियो 3a a की वैल्यू कितना है 4 + 2b b की वैल्यू कितना है 5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4 × 8 + 5 = 15 रेशियो 4 × 12 + 5 = 10 8 + 15 = 12 + 10 15 = 8 23 23 = 12 = 10 22 23 = 22 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5 है तो 2a + 3b रेशियो 3a + 2b की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ए रेशियो बी बराबर 4:5 है, मगर अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू कितना होगी, 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 4 रख देंगे, बी की वैल्यू 5 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा कितना, 23:22 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 53। क्या क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। मंगलहारी द्रवहुस दशरथ जीर बिहार जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर, यदि ए रेशियो बी बराबर, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:3 यदि ए रेशियो बी बराबर 5:3 तो 8a - 5b की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 3:13 दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2:5 ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 3:11 चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 5:11 ठीक, कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 5:3 हो, क्या यदि ए रेशियो बी बराबर 5:3 है तो 8a - 5b रेशियो 8a + 5b की वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ए रेशियो बी बराबर 5:3 है, ए रेशियो बी बराबर 5:3 मतलब अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितना है, 3। ठीक, वो डायरेक्ट इसी में हम रख देंगे उसका वैल्यू, तो क्या पूछा है, 8a - 5b 8a - 5b रेशियो 8a + 5b ठीक, 8a + 5b हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, 8 × 5 - 5 × b की वैल्यू कितना है, 3। ठीक, रेशियो 8a की वैल्यू 5 + 5 b की वैल्यू कितना है, 3।
बी की वैल्यू कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे 8 × 5 = 40 माइनस 5 × 3 = 15 रेशियो 8 × 5 = 40 प्लस 5 × 3 = 15। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे होगा 40 में से अगर 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक, और 40 में 15 अगर जोड़ेंगे हो जाएंगे कितना 55। इसको हम 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25 5 × 11 = 55। ठीक, तो रेशियो कितना है 5:11 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर 4 यही परम सत्य आंसर होगा? एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3 तो 8 − 5 = 5 की वैल्यू क्या होगी? ठीक, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले लिखेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3। क्या ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3? अगर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितना आएगी 3। अगर ए की वैल्यू 10 आएगी तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। ठीक, तो यही अनुपात में बदलेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे 8, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 5:11 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, SSC में सब ऐसा पूछा गया है। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण वो भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख भव कंज मुख कंजारुणम। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू यदि ए रेशियो बी यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 इज इक्वल टू 2:3 और सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5:6। ठीक, C:B = 5:6 तो A:B:C की वैल्यू क्या होगी? ठीक, कह रहा है कि यदि A:B = 2:3 और C:B = 5:6 तो A:B:C की वैल्यू क्या होगी? ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि A:B = 2:3 ठीक, और सर क्या कह रहा है, C:B क्या है 5:6 है। अब हमें यह देखना है, हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमें ट्रिक क्या है कि जो यहाँ रखेंगे पहले लिखेंगे A:B:C। ठीक, बीच में वही रखेंगे जो यहाँ दोनों में कॉमन दिया होगा। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि B की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ दिया है B की वैल्यू कितना 3। ठीक, A:B की वैल्यू 2:3 दिया है, यहाँ C:B की वैल्यू दिया है 5:6। यहाँ देखो B है, यहाँ भी B है, तो B क्या रखेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक, अब भी यहाँ A:B की वैल्यू लिख ली 2:3, अब यहाँ क्या दे रखा है C:B, हम बीच में क्या रखेंगे जो दोनों में कॉमन रहेगा। देखो यहाँ B भी है, यहाँ भी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, B यही बीच में लिख लिए। अब यहाँ देखेंगे कि B के नीचे एक बार 3 लिख लिए हैं, अब B की वैल्यू क्या बोल रहा है, 6, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसके नीचे 6 लिख लेंगे। ठीक, अब C की वैल्यू क्या है 5, अब हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, तो 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। ठीक, 12, 18, 15, इसका हम पहले से पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 4:6:5, 4:6:5। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 6:9:16, फिर 6:9:12, 6:9:12। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 10:15:18। ठीक, इतना ऑप्शन दे रखा है, इसी में से कोई एक होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आया है 12, 18, 15। हम क्या करें, इसको 3 से काट देंगे, 3 × 12 = 18, 3 × 18 = 15, 4:6:5 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि A:B = 2:3 एंड C:B = 5:6 देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कि ए रेशियो बी की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, ए रेशियो बी लिखे, फिर सी रेशियो बी इधर लिखे हैं। कह रहा है कि ए रेशियो बी की वैल्यू कितना है, 2:3, तो इसका हम मान लिख लिए 2:3। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हम यही देखेंगे जो दोनों में, यहाँ ए रेशियो बी है, यहाँ सी रेशियो बी है। देखो यहाँ बी इसमें भी आया, बी इसमें भी आया है, इसके मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ बी बीच में लिखेंगे, फिर ऐसे लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू इसमें 3 दिया, यहाँ 6 दिया, तो इसको भी लिख लिए। यहाँ सी वाला खाली है क्योंकि सी एक बार दिया गया है दूसरे वाले में, तो यहाँ सी की वैल्यू लिख लिए 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, ऐसे 3 से गुणा कर देना, 5 × 15, फिर 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 3 से कैंसिल किए, 4:6 = 5 आया, जो कि आंसर नंबर 1 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्या करेंगे हम, 2:3 लिखिए सबसे पहले ये वाला, फिर 6:5 किए, क्योंकि यहाँ देखो बी का मान कितना है 6, तो बी के नीचे 6 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इधर देखना है, इधर इतना एक स्थान खाली है, इधर भी एक स्थान खाली है, जिस तरफ खाली है, क्या जिस तरफ खाली है वही संख्या को आगे बढ़ा लेंगे। कि इधर देखो कितना खाली है, 3, इसी साइड खाली, तो इधर वाला क्या करेंगे, 3 इधर लिख लिए। इधर देखो सामने वाला खाली, तो इन दोनों में सामने वाला 6 है, 6 इधर लिख लिए। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 18 × 15, फिर 3 से कैंसिल किए, 4:6 = 5 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 5:8 एंड c रेशियो b बराबर कितना है, 4:3 c रेशियो b = 4:3, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर एक कह रहा है 15, 24, 28। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि 5, 6, 8। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 15, 24, 32। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि 5, 8, 6। ठीक, सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि यदि a रेशियो b = 5:8 और c रेशियो b = इतना, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले a रेशियो b रेशियो c लिख लेते हैं। ठीक, अब a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू, a की वैल्यू है 5, तो b की वैल्यू है 8, अगर a 5 है तो b कितना है 8। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ b बीच में क्यों लिखेंगे, यहाँ देख रहा है कि यहाँ जो है इसमें भी b है, इसमें भी b है। ठीक, तो b को बीच में लिख लिए। ठीक, अब क्या करना है कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8, अब यहाँ कह रहा है c की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, अगर c की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी है, 3। अब हम b यहाँ लिख चुके हैं, इसको तो मिटा के लिखना नहीं है, अब इसके नीचे हम, ठीक, इसके नीचे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ b बराबर कितना है, 3, b बराबर 3, और c बराबर कितना है, c के नीचे वाले में c लिख लेंगे, c बराबर है 4। ठीक, अब क्या करना है हमें, जिधर स्थान खाली, देख रहे हैं इधर c के नीचे खाली है, दाहिनी तरफ खाली, तो दाहिनी, इन दोनों में दाहिनी तरफ वाला इधर बढ़ा लेंगे। ठीक, 8 हो गया। अब इन दोनों में क्या है, बाई तरफ खाली है, बाई तरफ 3 है, तो 3 को बढ़ा लिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की, 8 × 32, 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15, 24 = 32, या किस ऑप्शन में दे रखा है, 15, 24, 32 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि a रेशियो b = 5:8 और c रेशियो b = 4:3, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी। ठीक, a रेशियो b रेशियो c लिख लेते हैं, a के नीचे 5, b के नीचे 8, फिर यहाँ c रेशियो b = 4:3 दिया है, मतलब c की वैल्यू 4 है, b की रेशियो
कितना है 3। तो बी के नीचे हम बी वाला लिख लिए 3, सी के नीचे हम क्या लिख लिए, सी वाला लिख लिए 4। अब ये 8 कहाँ से आया, इन दोनों में 8 इधर खाली था, इधर 8 बढ़ा लिया, जिस तरफ खाली था वही संख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक, इधर 3 खाली, इधर खाली था, इधर क्या था 3, 3 को बढ़ा लिए, मल्टीप्लाई किए, 15 = 24 = 32, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो 5a - 2b रेशियो 5a + 2b की वैल्यू क्या होगी, 5a + 2b की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3:7, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2:7, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1:3, चौथा ऑप्शन कह रहा है 1:4। ठीक, कह रहा है यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो 5a - 2b रेशियो 5a + 2b की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर 3, पहला है कह रहा 3:7, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2:7, तीसरा कह रहा है 1:3, चौथा कह रहा है 1:4। इसको हल करते हैं, क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3। ठीक, और वैल्यू किसके निकालना है, 5a - 2b रेशियो 5a + 2b। ठीक, इसको निकालना है, यहाँ ए बराबर क्या है 2 b = 3, इसी रेशियो में ये दे रखा है ए और बी का वैल्यू। ठीक, 5a की वैल्यू कितना है 2 - 2 b की वैल्यू कितना है 3, ब्रैकेट लगाए, रेशियो लगाए, कह रहा है 5a की वैल्यू 2 + 2 b की वैल्यू कितना है 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 3। ठीक, 5 × 10 - 3 × 6, रेशियो 5 × 10 = 6। ठीक, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 1:4। 1:4 कैसे आया, 4 से काटेंगे 4 = 4, 4 = 16, 1:4 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, क्या यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो 5a - 2b रेशियो 5a + 2b की वैल्यू निकालना है हमें। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1:4 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्या क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 2:5, C रेशियो बी बराबर 3:4, तो A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1, 6 15 20 6 15 20, ऑप्शन नंबर 2, 8 20 15 8 20 15, ऑप्शन नंबर 3,
दो पाँच चार ऑप्शन नंबर चार कह रहा है कि दो पाँच तीन ठीक सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि अब ए रेशियो बी बराबर 2:5 और सी रेशियो बी बराबर 3:4 तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे पहले की तरह सबसे पहले क्या करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ देख रहे हैं बीस में भी है बीस में भी है इसलिए बी क्या होगा बीस में होगा ठीक। अब क्या करना है एक रेशियो बी की वैल्यू कितना है 2:5। अब बी की वैल्यू एक बार लिख चुके हैं इसको मिटा के फिर से लिखना नहीं इसके नीचे हम क्या करेंगे इसके नीचे बी की वैल्यू फिर से लिखेंगे क्योंकि यहाँ कह रहा है सी रेशियो बी बराबर 3:4 सी की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू कितना है 4 तो बी की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू कितना है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे इसके ऐसे गुणा कर देंगे क्या करेंगे 5 × 20 5 × 4 = 20 8 × 20 = 15 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है यही परम सत्य आंसर होगा ठीक। कैसे किए हैं पहले ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लिए ए रेशियो बी की वैल्यू इतना है लिख लिए बी रेशियो सी की वैल्यू कितना है 4 सी और बी का अगर देखेंगे अनुपात है 3:4 तो बी और सी का हो जाएगा उसका उल्टा 4:3 ठीक। अब क्या करना है हमें ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार ऐसे लगा देते हैं 5 है इधर 4 है क्या करेंगे जिस तरफ खाली है इधर क्या है दाहिनी तरफ खाली है दाहिनी तरफ 5 को बढ़ा लिए इधर खाली है एक सीट तो इधर क्या करेंगे 4 को बढ़ा लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15 5 × 20 4 × 8 = 20 = 15 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है यही परम सत्य आंसर है ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं ये क्या कह रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी 2:3 है यदि ए रेशियो बी की वैल्यू कितना है 2:3 है तो 5a + 3b रेशियो 6a - 2b की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन नंबर 1 19:6 दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 3:2 तीसरा ऑप्शन 17:5 चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि 10:7 ठीक सॉल्व करेंगे कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर कितना है 2:3 यदि ए रेशियो बी की वैल्यू कितना है 2:3 तो पूछा क्या है 5a + 3b = 6a - 2b ठीक। क्या करेंगे a और b की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 5a की वैल्यू 2 + 3b की वैल्यू कितना है 3 मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे रेशियो लगाएंगे 6a की वैल्यू 2 - 2b की वैल्यू कितना है 3 ठीक। तो 5 × 10 5 × 10 3 × 9 = 6 × 12 3 × 6 12 - 6 = 10 9 = 19 और 12 में से 6 घटाएंगे 6 × 19 = 6 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है यही पर हमें सत्य आंसर है ठीक। फिर से देख लेते हैं अब ये रेशियो बी बराबर इतना तो इतनी की वैल्यू क्या होगी हम क्या करेंगे ए रेशियो बी के मान लिख लेंगे फिर 5a + 3b = 6a - 2b लिखेंगे ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे कोई आ जाएगा 19:6 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है यही परम सत्य आंसर है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।